हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और शानदार ट्रिक और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको इसे करने में भी मजा आएगा। देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आते हैं और आप तुरंत ही 1 से 2 सेकंड में भी आंसर दे सकते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो पहले ट्रिक टाइप की क्वेश्चन क्या है, ये मैंने 4 टाइप बनाई है, इन 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो पहली टाइप देखते हैं। देखो पहली टाइप में करना क्या है, हमें सबसे पहले क्या दे रहा है, 0.3 पे बार, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे क्या करना है, 0.3 पे बार को तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3 है ना तो 3 लिख दिया, और जितने पे बार है उतने 9 लिख देंगे, जितने पे बार है उतने 9 लिख देंगे। क्या लिखा हमने, 3 लिखा और जितने पे बार है उतने 9 लिख दिए। तो आप 3 से काटेंगे, 1/3 हमारा आंसर आएगा। समझ में, ये हमें आएगा इन बार वाले क्वेश्चन पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन दे रखा और सीधे हम सॉल्व कर लेंगे आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 0.5 पे बार है तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम 5 और कितनी संख्या है ये, 5 पे बार है, एक संख्या है तो कितने 9 लगाएंगे, 1 9 लगा देंगे तो आंसर आ गया 5/9। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 3 तो 4 3 लिख दिया हमने, कितने पे बार है, 2 पे बार है, 4 और 3 2 पे बार है तो कितने 9 आएंगे, 2 बार 9 आएंगे। आसान है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 7 3 7 लिख दिया हमने, 3 7 पे बार है ना तो हमने क्या लिख दिया, 3 7। अब कितनी संख्या रिपीट है, 3 और 7 2 संख्या रिपीट है तो हम क्या लिख दे, 2 बार 9 लिख देंगे। ये थी पहली टाइप। ये क्या थी, पहली टाइप। अब देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप भी आसान है, बस आप ना ध्यान से समझते रहे। देखो नेक्स्ट रखा है 0.47 पे बार, 47 पे बार, यहाँ पे 4 पे बार नहीं है, किस पे बार है, 7 पर, 4 पर बार नहीं है, यहां दे रखा है केवल 7 पे बार। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो पहले क्या था, सब पे बार था, पहली टाइप में सब पे बार था, अगले में क्या, 1 पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है, 7 पे बार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, पहले 4 7 और जिस पे बार नहीं है वो घटा दो, जिस पे बार नहीं है वो घटा दो, तो 4 7 लिखा पहले और किस पे बार नहीं है, 4 पे, वो घटा दिया हमने। अब जितने पे बार है उतने 9 लिखेंगे, जितने पे बार है उतने 9, तो 7 पे बार है, 1 डिजिट पे बार तो 1 9 लिख दिया, कितने पे बार नहीं है, 4 पर, तो 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0 लगा देंगे। आई बात समझ में। फिर से देखते हैं, पहले 47 लिख दिया पूरा, फिर जितने पे बार नहीं है वो घटा देंगे, जितने पे बार नहीं है वो घटा देंगे, और जितने पे बार है उतने 9 लिख देंगे और जितने पे बार नहीं है उतनी 0। आसान है ये भी, कितना आ गया, 43/90। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान लगेगा आपको, 73 लिखा, 77.3 पे बार है, 7.3 पे बार तो 73 लिख दिया। अब जितने पे बार नहीं है उसे घटा देंगे, कितने पे बार नहीं है, 7 पे, उसे घटा दिया। अब नीचे क्या आएगा, कितने पे बार है, 3 पे बार है, एक संख्या पे बार है तो 1 9 आ जाएगा, और कितने पे बार नहीं है, 7 पर, तो 1 डिजिट पे बार नहीं तो 1 0 आ जाएगी। तो कितना आ गया, 73 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचता है, 66/90। इसे काट के और भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला क्या है, 1 2 3 ये कह रहा है 0.123 पे बार, बार किस पे, केवल 2 3 पे है, बार किस पे है, केवल 2 3 पे ही बार है, तो 1 2 3 जिस पे बार नहीं है वो घटा दो, जिस पे बार नहीं है वो घटा दो, और डिवाइड में जितने पे बार है, किस पे बार है, 2 3 पर, तो 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9 9 आ जाएगा, 2 बार 9 लिख दिया। अब कितने पे बार नहीं है, 1 पर, तो 1 0 लगा दी, 1 0 लगा दी, तो कितना आ गया, 122/990। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है, अब आ रहा है मजा। देखो नेक्स्ट 3 4 7 ये कहा है 0.347 पे बार, बार किस पे, केवल 4 7 पे, तो 3 4 7 लिख दिया, किस पे बार नहीं है उसे घटा दिया, 3 पे बार नहीं है तो 3 को घटा दिया। अब जितने बार बार है उतनी बार 9 लगा देंगे, जितने बार बार है उतनी बार 9 और जितने बार बार नहीं है उतनी 0। आई बात समझ में। तो अगला क्या आ गया, 3 घटा दो तो 3 4 4/990। मैंने काटा नहीं है, आपका ये भी आंसर हो सकता है, काट के और छोटा करके जो आंसर आ जाए वो भी देख सकते हैं। ये आपको समझ में आए दोनों ट्रिक, बहुत सिंपल है। नहीं तो आप वीडियो
पोच करके वापस रिपीट करके भी देख सकते हैं, वैसे आपको आ गई होगी, बहुत आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। ये समझ में आया? क्योंकि करना क्या है, बस देखो जितने हैं थ्री है तो थ्री लिख का, और जितनी बार बार है उतने का ही लिख दिया। 43 है तो 43 लिख दिया, और दो बार दो संख्या है तो दो बार नहीं लिख दिया। इसमें क्या है, 0.47 तो पहले 47 लिखा, जितने पे बार नहीं है वो घटा दिया, जितने पे बार नहीं है वो घटा दिया, और जितनी बार 7 पे बार है तो एक बार नहीं लगाया। देखो 47 लिखा, अब 4 पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है तो 4 घटा दिया, कितने पे बार है 7 पे बार, एक डिजिट पे बार है तो एक बार नहीं लिखेंगे, और जितने पे बार नहीं है उतनी 0, तो 4 पे बार नहीं है तो एक ही बार है तो वो 0 आ गया। आई बात समझ? अब तीन डिजिट होगी तो 0.37, कितने पे बार नहीं है 3 पे तो 3 घटा दिया, कितने पे बार है 47, दो डिजिट पे बार है तो दो बार 9 आ गया, और कितने पे बार नहीं है 1 पे बार नहीं है 3 पे बार नहीं है तो वो 0 आ गया, इसे घटा दिया आंसर आ गया। आसान है, बहुत सिंपल है, आप अगर क्वेश्चन करेंगे ना पेपर में आएगा, मजा आ जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। देखते हैं आप थर्ड टाइप। देखो थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, टाइप थ्री। टाइप थ्री भी बहुत आसान है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो टाइप थ्री भी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखते हैं इसमें क्या करना है, 1.23 पे बार, 1.23 पे। एक चीज देख रहे हैं, इसमें पॉइंट से पहले कुछ नहीं था, पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं था, और अब पॉइंट से पहले कोई ना कोई डिजिट है, ये फर्क है इसमें। तो क्या करें, 1, 2, 3 जितने पे बार नहीं है वो घटा दो, जितने पे बार नहीं है उतने घटा दो, और 2, 3 पे बार है, दो संख्या है तो दो बार नहीं लगा दो, बस खत्म। ये इतनी ट्रिक है, यानी पॉइंट से पहले वाले को कुछ नहीं करना, पॉइंट से पहले वाले को कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 लिख दिया, पॉइंट से पहले जो है उसे घटा दिया, पॉइंट से पहले क्या है 1 था, 1 घटा दिया, और 2, 2, 3 पे बार है तो जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लगा दो, जितनी संख्या के बार है उतने ही 9 लगा दो जितने पे बार है, ठीक है। तो कितना आ गया, 1, 2, 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1, 2, 2 अपॉन में 9, 9, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये दे रखा है, करेंगे कैसे, 1, 7 लिखा, पॉइंट से पहले क्या है 1, उसे घटा दिया, कितने पे बार है 7 पे बार है, ओनली 7, एक डिजिट है तो एक बार 9 लगाएंगे, इससे पॉइंट से पहले वाले की 0 अब नहीं लगाते इसमें, ठीक। तो यानी इसमें पिछले में क्या फर्क है, जिसमें बार नहीं है तो उसमें 0 लगती थी, इसमें नहीं लगती क्योंकि ये पॉइंट से पहले है, ठीक। अब कितना आ गया, 16/9, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2, 6, 9, पॉइंट से पहले क्या है 2, 2 घटा दो, 2, 6, 9 है, और 2, 6, 9 क्या है 2.69 पे बार है, क्या है 2.69 पे बार, तो 2, 6, 9 लिखा, पॉइंट से पहले क्या है 2, 2 सबट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, और कितने पे बार है 6, 9, दो डिजिट पे बार है तो दो बार 9 लगा देंगे, तो फिर दो बार क्या लगाएंगे 9, तो हमारा क्या आ गया 2, 6, 7 / 9, 9, आई बात समझ में, आसान था, मजा भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। 5, 3, 2, 1 कह रहा है क्वेश्चन, 5.321 पे बार, 5.231 पे बार, तो 5, 3, 2, 1 लिख दिया, किस पे पॉइंट से पहले कितना है 5, तो 5 घटा देंगे, क्या करेंगे 5 घटा देंगे, सिंपल से देखो 5, 3, 2, 1 तो 5, 3, 2, 1 और पॉइंट से पहले क्या है 5, तो पॉइंट से पहले 5 है तो 5 को घटा दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। अब कितनी संख्या पे बार है 2, 3, 1, तीन डिजिट पे बार है तो तीन बार 9, 9 और ये 9, तो कितना आ गया 5 घटाने के बाद, इस पे 5 घटाएंगे तो है 5, 3, 1, 6, 16 हो जाएगा अपॉन में 9, 9, 9, तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया हमारे थर्ड टाइप। नेक्स्ट टाइप है टाइप फोर। अब टाइप फोर है क्या, देखो टाइप फोर टाइप थ्री की तरह है, टाइप फोर जो है टाइप थ्री की तरह है, देखो जरा सेम ही तो है, 1.23 पे बार और 2.53 पे बार, फर्क क्या है, देखो यहां पॉइंट से पहले बार नहीं है तो ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ये लास्ट टाइप है फोर्थ, ठीक है। तो ये देख रहे हो ना आप कितना अंतर है, 1 है, एक डिजिट है, एक डिजिट है, पॉइंट का पॉइंट बस 2, 3 पे बार, तो क्या एक डिजिट छोड़ दी, 5 है ना उसमें बार नहीं है, तो ये भी ज्यादा कठिन है, पूरा मिलता जुलता है टाइप 3 से। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या 2, 5, 3, तो क्या लिखें 2, 5, 3 लिख दिया 2, 5, 3, अब कितने पे बार नहीं है,
अरे भाई पहले भी जितने पे बानी था वो माइनस करते थे, तो जितने पे बानी है कितने पे बानी है 25 पे बानी है। देखो 25 पे बानी है ना, तो 25 सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, पहले लिखा 253, क्या लिख दिया 253, कितने पे बार नहीं है 25 पे, वो नीचे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते थे, याद होगी पिछले ट्रिक, जितने पे बार है, कितने पे बार है 3 पर, जितने पे बार है उतनी बार 9 लिखे हैं, जितने पे बार है उतनी बार 9। और पॉइंट से बाद वाली नहीं देखते, पॉइंट से पहले देखते, पॉइंट से पहले कितने पे बार नहीं है 5 पे बार नहीं है, पॉइंट से पहले कितने पे बार नहीं है 5 पे बार नहीं है, तो उतनी ही जीरो लगाएंगे। आई बात समझ में, देखो 253 लिखा, कितने पे बार नहीं है 25 पे बार है, तो 25 सबट्रैक्ट कर दिया, कितने पर बार है एक डिजिट पे बार है 3 पे, तो एक बार 9 लिखेंगे। पॉइंट के बाद नहीं देखते, पॉइंट से पहले पहले देखते, देखो पॉइंट से पहले 5 है, एक पे बार नहीं है, तो उतनी ही जीरो लगा देंगे। आई बात समझ में, तो कितना होगा 253 में से 25 घटाना 228, यानी 228 बटे में 90। आई बात समझ में, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो क्या है ये 364, ठीक है, ये 3.64 पे, 4 पे 4 हो गया, ठीक है 3.64 पर बार आ गया, 4 पर बार आ गया, तो 364 आ गया। अब इसमें से क्या घटाना है 36 सबट्रैक्ट कर देना है, कितना सबट्रैक्ट करना है 36, और नीचे कितनी संख्या पे बार है 4 पर बार है, एक संख्या पे बार है, तो एक बार 9 आएगा, पॉइंट से पहले 6 है इस पे बार नहीं है, तो एक जीरो आएगी। देखो जितने पे बार है उतने 9 आएंगे, जितने पे बार है उतने 9 आएंगे, और जितने पे पॉइंट से पहले देखना होगा, जितने पे बार नहीं है उतनी जीरो, ठीक है, मगर पॉइंट से पहले, तो कितना आ गया, इसे घटाएंगे 328 अपॉन में 90। आई बात समझ में। अगला देखो क्या है 137 1.37 पे बार है, 1.37 पे बार है, तो 1.137 लिख दिया, इसमें से माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है 13 पे, तो 13 सबट्रैक्ट कर दिया। अब इसके बाद पॉइंट से पहले, पहले देखो कितने पे बार है, एक पे बार है 7 पे, कितने पे बार है एक पे बार है 7 पे, तो एक 9 आएगा, पॉइंट से पहले कितने पे बार नहीं है 3 पे बार नहीं है एक डिजिट पे, तो एक जीरो आ गया। आई बात समझ में, 137 आ गया, और जितने पे बार नहीं है उतना सबट्रैक्ट कर दिया, और क्या करना कि जितने पे बार है उतने 9 आएंगे, जितने पे बार है उतने 9 आएंगे, और पॉइंट से पहले देखते हैं, पॉइंट से पहले जितने पे बार नहीं है उतनी जीरो लग जाएगी, तो कितना आ गया इसे सबट्रैक्ट करें 124 अपॉन में 90। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1.121 पे बार, तो कैसे करेंगे इसे 1121 ये लिख दिया हमने, कितने पे बार, अब क्या करना है माइनस क्या करना है 1 पे बार नहीं है तो 1 माइनस कर देंगे, जितने पे बार नहीं उतने माइनस, अब जितने पे बार है उतने ही 9 आएंगे, तो 3 1 2 1 तीन डिजिट पे बार है ना 1 2 1, तो 3 बार 9 आ जाएगा। अब देखो क्या हमें जीरो देखना है, नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई सी ऐसी संख्या नहीं है, पॉइंट के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं जिसपे बार ना हो, तो कोई जीरो नहीं आएगा। आई बात समझ, तो कैसे करेंगे 1 2 1 जितने पे बार नहीं है उतना घटा दिया, और जितने पे बार है उतनी बार 9 लगा देंगे, और जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिस पे बार ना हो, तो ये आ जाएगा 1 2 1 1 2 0 अपॉन में 999। आई बात समझ में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन अधिकतर पेपर में आता है। आप हमारा पॉलिटेक्निक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम आपको कोई भी सिलेबस के बारे में या फॉर्म के बारे में या आप उसमें स्टडी के बारे में किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ में कोई किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप इसमें आप जान पाएंगे, और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है पॉलिटेक्निक के बारे में तो आप वो भी जान लेंगे। आप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मेरे नंबर 9717406249 पर मैसेज करेंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020, तो मतलब व्हाट्सएप पे क्या मैसेज कर देंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 लिखकर मैसेज कर देंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा।